हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। दिस इज डॉक्टर आर एस मौर्या। गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर हैविंग द क्लास ए रिलेटिव क्लास। तो वन डे आई थिंक आई डिस्कस एडजेक्टिव क्लास एंड इन दैट वेरी क्लास आई ऑल्सो डिस्कस इन शॉर्ट डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इट in a very clear manner or very lengthy way, very exhaustive manner, what is defining class and what is non-defining class and the differences between the defining class and non-defining class. So let's have it first. So we see जो defining classes होते हैं, defining relative classes होते हैं, वो their limits are defines the meaning of the preceding noun or pronoun. जो पहले इसके noun या pronoun आते हैं उसके meaning को या limit करता है या define करता है, limit करता है, आप समझिए limit करता है। और non-defining class में जो ये preceding noun या pronoun है उसके meaning को limit नहीं करता, तो ये डिफाइनिंग में करता है और नॉन डिफाइनिंग में नहीं करता। दूसरा अंतर जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन जो इसमें डिफाइनिंग क्लास में होता है उसको ओमिट कर देता है, नहीं कहता। दिस इज द हाउस आई बिल्ट, दिस इज द हाउस आई बिल्ट, दैट जो है वो उसको नहीं कहता, उसको हटा देता है। एक अंतर यह है। तीसरा अंतर है नो कॉमा बिफोर और आफ्टर डिफाइनिंग क्लासेस। जो डिफाइनिंग क्लासेस होते हैं उसके पहले और बाद में कोई कॉमा नहीं लगता, पहले या बाद में कोई कॉमा नहीं लगता है। तीसरा अंतर हुआ। चौथा अंतर यह हुआ कि डिफाइनिंग क्लास जो है वो हू दैट से शुरू होता है, लेकिन नॉन डिफाइनिंग क्लासेस सिर्फ दैट से शुरू होता है, सिर्फ दैट से। डिफाइनिंग क्लास हु दैट से शुरू हो सकता है, होता है, लेकिन नॉन डिफाइनिंग क्लास जो है दैट से ही शुरू होगा। प्रीपोजिशन जनरली कम्स एट द एंड। इन डिफाइनिंग क्लासेस प्रीपोजिशन जो है अंत में आता है, इन डिफाइनिंग क्लासेस प्रीपोजिशन जो है अंत में आता है, और जबकि नॉन डिफाइनिंग क्लास में पहले भी आ सकता है, प्रीपोजिशन पहले भी आ सकता है। फिर से एक बार देख लीजिए, इसके बाद हम आपको एग्जांपल से बताएंगे। पहले ये सारी चीज़ें इसको क्लियर हो जानी चाहिए आपके दिमाग में कि ये जो रिलेटिव क्लास जो है ये दो पार्ट में बटा होता है, डिफाइनिंग क्लास और नॉन डिफाइनिंग क्लास। इन डिफाइनिंग क्लास में क्या होता है कि ये जो पहले के नाम है, पहले के नाम को एंटीसीडेंट कहते हैं, जो पहले आ चुका है उसके मीनिंग को ये लिमिट करता है या डिफाइन करता है, वन थिंग। अनदर थिंग इज कि जो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं उसको नहीं वो ओमिट कर देता है, ओमिट का मतलब अंडरस्टूड कर हटा देता है। और इसके पहले, किसके पहले, डिफाइनिंग क्लास के पहले और बाद में कामा नहीं आता, जबकि नॉन डिफाइनिंग क्लास के पहले कामा आता है। और डिफाइनिंग क्लास हू से शुरू हो सकता है, हुम से शुरू हो सकता है, दैट से शुरू होता है, लेकिन नॉन डिफाइनिंग क्लास सिर्फ दैट से शुरू हो सकता है। और प्रीपोजिशन जनरली डिफाइनिंग क्लास में अंत में आता है, और एंटीसीडेंट जो है, एंटीसीडेंट जो पहले एंटीसीडेंट है किसी में नहीं होता है तो उसको डिराइव करते हैं। एंटीसीडेंट का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर ये कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा जो पहले आया होगा, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है ये कभी उसमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उसको हम डिराइव करते हैं, उसको हम निकालते हैं कि ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो दीज आर द 6-7 डिफरेंसेस बिटवीन द डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लासेस, रिलेटिव क्लासेस।
सो आई थिंक इट इज क्लियर. इफ इट इज क्लियर शुड आई कम टू एग्जाम्पल्स. आई एम कमिंग टू एग्जाम्पल्स. पहले टू एग्जाम्पल्स फ्रॉम डिफाइनिंग क्लासेस से. द गर्ल हु कैन नॉट डांस says the band cannot play. The band cannot play. ये कि हिंदी का मुहावरा है, आप जानते होंगे, नाच न आवे आंगन टेढ़ा. तो इसमें ये अंग्रेजी में इसका इसको लिखा गया है. लड़की जो नाच नहीं सकती कहती है कि बैंड ही बैंड बैंड मतलब बाजा, जो बैंड है वो बाजा नहीं बजा सकते, तो उनको बाजा बजाने नहीं आता है. तो दिस इज द मीनिंग. बट यहाँ पर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है कि द गर्ल हु कैन नॉट डांस, ये क्लास हुआ. हाँ, सेज देखिए प्रिंसिपल क्लास अब क्या होगा. द गर्ल सेज दैट द बैंड कैन नॉट प्ले, दैट द बैंड कैन नॉट प्ले, ये प्रिंसिपल क्लास होगा. हु कैन नॉट डांस ये हो गया डिफाइनिंग. तो अब इसको कैसे, अच्छा एक और उदाहरण लेते हैं. द मैन इज आइदर फिलोसोफर. द मैन हु इंटर्स हिज वाइफ्स ड्रेसिंग रूम इज आइदर फिलोसोफर और फूल. तो इस तरह का कि ये लिमिट करता है, मीन किसको लिमिट करता है, ये द गर्ल जो है इसके पहले आया था, ये इसके मीनिंग को लिमिट करता है, इसके मीनिंग को लिमिट करता है. The girl who cannot dance says the band cannot play. तो वो लिमिट करता है, इसके मतलब वो जो है ये लिमिट करता है. और इसी तरह से एक और देख लेते हैं, तो फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं. A cynic is a man. A cynic is a man who knows the price of everything. And the value of nothing. So, who knows the price of everything and value of nothing? ये जो है man के preceding noun है. इसको इसके मीनिंग को लिमिट करता है या डिफाइन करता है. ये आदमी है जो सब चीज़ के का प्राइस जानता है लेकिन वैल्यू नहीं समझता.
ए सिटी इज अ मैन हु नोज द प्राइस ऑफ एवरी थिंग एंड द वैल्यू ऑफ नथिंग। उसी तरह से यह है, द गर्ल हु कैन नॉट डांस सेज द बैंड कैन नॉट प्ले। लड़की जो नाच जो नाचना नहीं जानती है कहती है कि बैंड वाला खराब बैंड वाला जो है बाजा नहीं बजा बजाने आता, बैंड वाले को बाजा बजाने नहीं आता। तो ये जो कैन नॉट डांस ये गर्ल के मीनिंग को लिमिट करता है, डिफाइन करता है, गर्ल के मीनिंग को डिफाइन करता है या लिमिट करता है। अच्छा, तो अब हम दूसरे पर चलते हैं, ये हुआ डिफाइनिंग क्लास। अब दो एग्जाम्पल लेंगे जो नॉन डिफाइनिंग क्लास, जो नॉन डिफाइनिंग क्लास का दो एग्जाम्पल हम यहाँ रखेंगे। जैसे कलकत्ता विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया, कलकत्ता कलकत्ता वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया, बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया इज डेंसली पॉपुलेटेड। ये नॉन डिफाइंड, ये नॉन डिफाइंड क्लास है। अब कलकत्ता को इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, खुद ही डिफाइन कर देता है, ये इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये नॉन डिफाइन, ये कलकत्ता को इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ही कहता है दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया इज डेंसली पॉपुलेटेड। तो इसके प्रिंसिपल क्लास क्या हो गया गाइस, कलकत्ता इज डेंसली पॉपुलेटेड विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया। तो यहाँ इसको ये जरूरत नहीं पड़ती कि इसको लिमिट करें, खुद ही ये नून है, जैसे कि देर आर मेनी कलकत्ता, ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह से मिल्टन हु रोड पैराडाइज लास्ट वाज अ ग्रेट पोएट, मिल्टन हु रोड दूसरा एग्जाम्पल उसका देते हैं, मिल्टन हु रोड द पैराडाइज लास्ट मिल्टन हु रोड द पैराडाइज लास्ट वॉज ए ग्रेट इंग्लिश पोएट, वॉज ए ग्रेट इंग्लिश पोएट। तो अब ये मिल्टन है, बहुत सा मिल्टन नहीं है, बहुत सा मिल्टन नहीं है, ये इसको हु रोड द पैराडाइज लॉस्ट, तो बहुत सा मिल्टन, एक ही मिल्टन है जिसने
ये लिखा है पैराडाइज लास्ट, और इसका है मिल्टन वाज अ ग्रेट इंग्लिश पोएट, ये है प्रिंसिपल क्लास हू रोट द पैराडाइज लास्ट, इसको नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास कहेंगे, और क्योंकि ये लिमिट नहीं करता आगे के सेंटेंस को, इसको लिमिट नहीं करता। तो और दूसरी चीज़ एक हमने बताया थी कि कॉमा इसके प्रयोग होता है, तो ये इसमें काम करना होता है। और दूसरा जो है कि ये आई थिंक ऐसे समझो इसके प्रिंसिपल क्लास है, और इसमें जो है एडजेक्टिव क्लास है, ये रिलेटिव क्लास है, हू रोट द पैराडाइज लास्ट, और ये नॉन डिफाइंड क्लास में आता है, ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये प्रीसीडिंग का मतलब होता है इसके पहले आया हुआ, जैसे प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले आया हुआ, प्रीसीडिंग नाउन या प्रोनाउन को लिमिट नहीं करता। ठीक, अब दूसरा अंतर समझेंगे, एक पहला ये हो गया, दूसरा अंतर क्या है, जैसे एक समझिए एक्सपीरियंस इज द नेम एवरी वन गिव्स टू हिज मिस्टेक, एक्सपीरियंस इज द नेम एवरी वन गिव्स टू हिज मिस्टेक्स, एक्सपीरियंस इज द नेम एवरी वन gives to his mistake. Everyone gives gives to his mistake. To his mistake. To his तो इसमें दूसरे में कि इसमें ये डिफाइनिंग क्लास में जो है इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसको ओमिट कर दिया जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, एक्सपीरियंस इज द नेम, अब इसमें रिलेटिव प्रोनाउन था वो ये था दैट, रिलेटिव प्रोनाउन को हटा दिया जाता है, इसको रिमूव कर दिया जा सकता है, एक्सपीरियंस इज द नेम एवरीवन गिव्स टू हिज मिस्टेक्स, तो यहां डैट था उसको हटा दिया गया, और उसको न रहने से भी सेंटेंस करेक्ट होता है। तो द मोस्ट हैप्पी मैरिज आई पिक्चर, द मोस्ट हैप्पी मैरिज आई पिक्चर, द मोस्ट हैप्पी मैरिज आई पिक्चर की दैट आई पिक्चर, दैट को हटा दिया गया, तो इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउंस को ओमिट किया जा सकता है, ये कहने का मतलब है, रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट किया जाता है और नॉन डिफाइंड में नहीं होता है। जैसे शी वॉज मर्डर्ड बाई हर हस्बैंड हुम सी लव्ड सो मच, शी वॉज मर्डर्ड बाई हर हस्बैंड, अब नॉन डिफाइनिंग में देखिए, नॉन डिफाइनिंग में देखिए, नॉन डिफाइनिंग में देखिए, शी वॉज मर्डर्ड बाई हर हस्बैंड, she was murdered by her husband, whom she loved so much,
हूँ सी लव सो मच अब गाइस इसमें आप देखोगे शिवाजी कुमार भाई यहाँ यहाँ पर कामा दे दिया गया अब इसी को ये लिमिट करता है लेकिन इसमें हुम मतलब जिनको जिनको तो इसमें ये रिलेटिव प्रोनाउन है इसको ओमिट नहीं कर सकते इसको हटा नहीं सकते इसको हटा कर देखिए शी वॉज मर्डर्ड बाई हर हस्बैंड सी लव सो मच यहाँ नहीं हटाया जाता इसको लगाया ही जाता है इसके बिना मतलब जो है इनकम्प्लीट सा लगता है तो ये दूसरा अंतर है और तीसरा अंतर जो है हमने बताया कि नो कामा बिफोर एंड आफ्टर डिफाइनिंग क्लाजेस नो कामा ए मैन हु इज ओल्ड टू लर्न वॉज प्रोबेबली ऑलवेज टू ओल्ड टू लर्न डिफाइनिंग क्लाज है जैसे इसमें कामा नहीं इसमें कामा नहीं दिया जाता डिफाइनिंग क्लाज में कामा नहीं होता जैसे एक उदाहरण हम देते हैं A man who is too old to learn. A man who is too old to learn. Yes, was probably always too old. Was